यानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई है? ए पंजाब, बी पुडुचेरी, सी राजस्थान या डी पश्चिम बंगाल। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। रंगरा में अंतरराज्यीय गिरोह के 2 हथियार तस्कर दबोचे गए। एसटीएफ और रंगरा पुलिस ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई। रंगरा पुलिस और एसटीएफ ने छापेमारी कर अवैध हथियार के साथ 2 हथियार तस्कर को धर दबोचा है। गिरफ्तार किए गए हथियार तस्कर मुंगेर मुफसिल थाना क्षेत्र के बाकरपुर निवासी मोहम्मद हैदर और कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के बल्ती महेशपुर ग्राम वर्तमान पता पूर्णिया जिले के धमदाहा हरिन कोल निवासी सिकंदर कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से 4 देसी पिस्तौल, 3 मैगजीन, 20 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और 1 बुलेट मोटरसाइकिल बरामद किया है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने इस संदर्भ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक हथियार तस्कर गिरोह के सदस्यों द्वारा मुंगेर से भारी मात्रा में हथियारों की आपूर्ति रंगरा और पूर्णिया क्षेत्र में किया जाएगा। गुप्त सूचना के आधार पर नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में तुरंत पुलिस ने एक टीम का गठन किया और छापेमारी में लगा दिया। पुलिस द्वारा गठित की गई टीम ने रंगरा राष्ट्रीय राजमार्ग चौक से कटरिया स्टेशन जाने वाली सड़क पर दोनों अपराधी को अवैध हथियार के साथ रंगे हाथ दबोच लिया। नवगछिया के एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुंगेर से मोहम्मद हैदर हथियारों की खेप को पहुंचाने के लिए रंगरा एक यात्री बस से आया था। उसे रंगरा में सिकंदर कुमार को हथियारों की डिलीवरी करनी थी, लेकिन एन मौके पर पुलिस ने दोनों अपराधी की मंशा पर पानी फेर दिया और वहीं पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। 22 तारीख को सूचना ये मिली थी कि मुंगेर से हथियार तस्कर कुछ हथियार लेके आ रहा है, जिसका डिलीवरी वो रंगरा या पूर्णिया क्षेत्र में करने वाला है। सूचना मिलते तत्क्षण हमने SDPO टीम बनाया, जिस टीम में रंगरा थाना प्रभारी और SDF पटना की टीम शामिल थी और छापामारी किया गया रंगरा में, जहाँ पर से कि 2 की गिरफ्तारी हुई। उनके पास से ये 4 कंट्री मेड पिस्टल मैगजीन सहित, इसके अलावा 3 एक्स्ट्रा मैगजीन, 20 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल भी बरामद किया गया और एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुआ। कहाँ कहाँ सर छापेमारी की गई? छापामारी ये रंगरा क्षेत्र में किया गया। उसमें कन्फेशन में कई नाम भी बताया है, जिस पर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ से आ रहा था सर ये? मुंगेर से आ रहा था। कहाँ डिलीवरी करनी थी? ये डिलीवरी करना था रंगरा क्षेत्र में। आरोपी उसके बाद फिर वहाँ से टीम ले जाता आगे, फिर पूर्णिया में बेचता। वो कौन कौन लोग पकड़ लिए? कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं? गिरफ्तार हुए जो 2 व्यक्ति है, एक नाम है मोहम्मद हैदर जो मुंगेर का है और दूसरा जो है सिकंदर कुमार, ये आपका कुर्सेला थाने का है, कुर्सेला थाने कटिहार का। पूछताछ में क्या सामने आया कि कब से डिलीवरी चल रहा था? देखिए ये जो हैदर है ये पुराना आदमी है, बहुत पहले से इसमें वो लगा हुआ है, इन्वॉल्व है और कई नाम भी हम लोग के सामने आया है। जो सोर्स पर्सन है, जो क्रिमिनल्स है, जो सप्लाई करता है मुंगेर में, उसका भी नाम आया है। और इसके अलावा जो पूर्णिया या आसपास के थानों में जो इन्वॉल्व है, जो रिसीव करते हैं और उसको फिर बेचते हैं, उस सभी नाम लोग सामने आया हुआ है, फिर वो कार्रवाई कर रहे हैं। किससे से आए थे और कैसे जा रहे थे डिलीवरी देने के लिए? लोग बस से आते हैं और हर चौक पे उतरते हैं, फिर बस को चेंज भी करते रहते हैं। वो हर तरह से प्रिकॉशन लेते हैं कि हमारे को शक नहीं हो या हमें कोई फॉलो ना करे। हम लोग पास पुख्ता सबूत था, पुख्ता सूचना था, इसलिए उन्होंने कार्रवाई किया, गिरफ्तारी संभव। सर इस तरह का हाल में एक बरामदी हुआ था, उसमें मुख्य सरगना का गिरफ्तार नहीं हो पाया था हथियार तस्कर में, फिर इस तरह का देखिए गिरफ्तारियाँ होती हैं, हम लोग सब लगे हुए हैं। जो मुख्य सरगना नाम आया हुआ है
उसका भी इस केस से संबंध है, उसमें लगे हुए हैं, मतलब गिरफ्तार कर लें। नौचा पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल कह सकते हैं कि हाल के दिनों में लगातार ये उपलब्धि हमें मिल रही है। टीम को जो है ये एक टीम वर्क है जिसको लीड SDPO ने किया है, इसमें जो भी शामिल हमारे थाना पार डंगरा है, अन्य पुलिसकर्मी भी हैं और STF पटना की टीम है, सबको पुरस्कृत किया जाएगा। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है AC, नॉन AC कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, DC फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। नवगछिया पुलिस सप्ताह के अवसर पर पेंटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। नवगछिया पुलिस लाइन में चल रहे बिहार पुलिस सप्ताह कार्यक्रम के अवसर पर मंगलवार को पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में आइडियल विद्या मंदिर के धर्म कुमार प्रथम, सोनी कुमारी तृतीय एवं दीपक कुमार ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया, जबकि पुलिस लाइन की छात्रा नेहा कुमारी ने प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में उत्तीर्ण हुए प्रतिभागी को मेजर विनय कुमार एवं सार्जेंट जयप्रकाश पंडित ने मेडल देकर सम्मानित किया। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार सिंह, शिक्षक अमरदीप चौधरी, मनीष कुमार सहित पुलिस पदाधिकारी व पुलिस के जवान मौजूद थे। सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए नवगछिया के खिलाड़ियों का ट्रायल। 25 से 28 तक मथुरापुर बेगूसराय में होने वाले सीनियर बिहार राज्य वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए नवगछिया पुलिस जिले के पुरुष टीम का ट्रायल सोनवर्षा के कन्या उच्च विद्यालय स्थित वॉलीबॉल मैदान में किया गया। मौके पर पुलिस जिला नवगछिया वॉलीबॉल संघ के कार्यकारी सचिव नीलेश कुमार ने बताया कि चयन क्रिया में 40 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयन समिति के अध्यक्ष उत्तम कुमार, हर्षवर्धन कुमार, विभूति चौधरी, अभिषेक कुमार के द्वारा गोलू आदर्श, ओम प्रकाश, दिलखुश, ऋषि, सागर, नीरज, रजनीश, प्रशांत एवं देवराम का चयन किया गया। सभी खिलाड़ी हर्षवर्धन कुमार के नेतृत्व में 24 को बेगूसराय के लिए रवाना होंगे। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया SDPO सहित 50 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल स्थित COVID-19 टीकाकरण सेंटर पर मंगलवार को कुल 50 फ्रंट लाइन वर्कर का टीकाकरण किया गया। मंगलवार को नवगछिया SDPO दिलीप कुमार सहित उनके अंगरक्षक व अन्य पुलिस पदाधिकारी ने टीकाकरण करवाया। नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य प्रबंधक ओम गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को कुल 50 लोगों का टीकाकरण किया गया है, जिसमें पुलिस पदाधिकारी व पुलिस कर्मी, नगर पंचायत के कर्मी एवं RPF के जवानों का टीकाकरण किया गया है। मुंबई, गुजरात व देहरादून से आए पर्यटकों ने कदवा पहुंचकर देखा गरुड़। सोमवार को मुंबई, गुजरात व देहरादून से आए पर्यटक ने पक्षी प्रेमियों ने कदवा पहुंचकर गरुड़ को देखा, जहां मुंबई नेचर हिस्ट्री सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर विभास पांडव, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नीता शाह, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर संध्या सेल्वम, डॉक्टर सुब्रत देवत, मिस्टर साहिल महा, रिसर्च फ्लॉप शारदा सिन्हा, खुशबू रानी, सुभेज्ञा तपेक्षणी, सामुदायिक संरक्षण पर काम कर रहे अहमदाबाद गुजरात से आए डॉक्टर प्रणव कुमार व देहरादून से आए अमृता लाहा के साथ मंदार नेचर क्लब के संस्थापक अरविंद मिश्रा मौजूद थे। सभी ने गरुड़ सेवियर डॉक्टर नगीना राय, राजीव कुमार, त्रिदेव कुमार, रवि कुमार सहित अन्य के साथ मध्य विद्यालय खैरपुर, कदवा, गंगानगर, काशीपुर व बगड़ी टोला पहुंचकर गरुड़ को दूरबीन के माध्यम से देखा और उनके तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद भी किया। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया
नवगछिया ढोलबजा हाट की वसूली करने पहुंचे सीओ। सोमवार को ढोलबजा पहुंचे नवगछिया सीओ आनंद विश्वास ने हाट की वसूली की। पहले पंचायत भवन व बस स्टैंड स्थित लग रहे हटिया को स्थानांतरित कर डोमसी से भगत सिंह चौक के बीच लगाया गया। वहीं कुछ व्यवसायी अभी भी पंचायत भवन के पास ही दुकान लगाए हुए थे, जिसे अगले शुक्रवार को बाजार में लगाने का निर्देश सीओ ने दिया है। नवगछिया सीओ विश्वास आनंद ने बताया कि पहली बार हटिया के दिन ढोलबजा हाट में प्रत्येक व्यवसायी ने 10-10 रुपए कर कुल 1530 रुपए की वसूली की है। मौके पर अंचल नाजीर घनश्याम व अंचल निरीक्षक अंबिका प्रसाद भी मौजूद थे। नवगछिया एसपी ने सभी थाने का किया साप्ताहिक रिव्यू। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने मंगलवार को पुलिस जिले के सभी थाना में एक सप्ताह में किए गए कार्य की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में भवानीपुर ओपी, रंगरा ओपी, कदवा ओपी, ढोलबजा थाना, परबत्ता थाना, खरीक थाने में पिछले एक सप्ताह में किए गए कार्य में उत्कृष्ट पाया गया। एसपी ने उत्कृष्ट कार्य के लिए सभी थाना अध्यक्ष को रिवार्ड देने की घोषणा की है। वहीं समीक्षा के क्रम में नदी थाना, इस्माइलपुर थाना, झंडापुर ओपी, बीपुर थाना, नवगछिया थाना एवं गोपालपुर थाने का कार्य समीक्षा के दौरान संतोषप्रद नहीं पाया गया। इसको लेकर एसपी ने सभी थाना अध्यक्ष को चेतावनी दी है। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया के सराफ कॉलेज नवगछिया में एनसीसी छात्रों ने नवगछिया स्टेशन पर सफाई अभियान चलाकर दिया स्वच्छता जागरूकता का संदेश। स्थानीय बनारसी लाल सराफ कॉमर्स कॉलेज के एनसीसी छात्रों ने मंगलवार को नवगछिया स्टेशन पर एनसीसी इंस्ट्रक्टर तुषार कांत झा के नेतृत्व में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया। मौके पर कॉलेज के एनसीसी केयरटेकर, उर्दू विभाग के शिक्षक डॉक्टर खालिद महमूद और नवगछिया स्टेशन के स्वास्थ्य निरीक्षक सतीश चंद्रा एवं स्टेशन अधीक्षक एन के तिवारी भी मौजूद थे। उक्त जानकारी कॉलेज के प्रवक्ता से मीडिया प्रभारी राजेश कनोडिया ने देते हुए बताया कि इस दौरान एनसीसी सार्जेंट सुजीत कुमार और आर्य कश्यप कारपोलर, सत्यम कुमार लॉस कारपोलर, सनम कुमारी क्रेडिट, दीपक दास, सौरभ कुमार, सुप्रिया कुमारी, अजीत कुमार, सुमित कुमार एवं अमित कुमार इत्यादि के द्वारा नवगछिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सफाई करते हुए स्वच्छता जागरूकता का अभियान चलाया गया। नवगछिया कोसी दियारा का कुख्यात अपराधी जलजा यादव गिरफ्तार। कोसी दियारा इलाके का कुख्यात अपराधी बिहपुर झंडापुर थाना क्षेत्र के नपटोलिया निवासी जलजा यादव को नवगछिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देशन में गठित टीम के द्वारा की गई कार्रवाई में पुलिस को यह सफलता मिली है। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि जलजा यादव कोसी दियारा इलाके का कुख्यात अपराधी है। दियारा में यह संगठित अपराध को संचालित करता है। दियारा में किसानों के बीच इसका काफी आतंक है। इसके गिरोह में 8 से 10 अपराधी शामिल हैं, जो दियारा में किसानों से रंगदारी वसूल करते हैं, किसानों की जमीन पर कब्जा करते हैं एवं पशुपालक से भी रंगदारी की वसूली करते हैं। गेहूं की फसल को देख किसानों के चेहरे पर छाई खुशहाली। बढ़ती महंगाई और कोरोना की मार झेल रहे किसानों के चेहरे पर गेहूं की फसल देखकर खुशहाली लौट आई है। इस साल किसानों को मौसम की सहायता मिलने के कारण गेहूं के पौधे स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण अधिक पैदावार की कल्पना की जा रही है। गंगा एवं कोसी के किनारे हजारों एकड़ में फैली दियारा क्षेत्र में गेहूं की खेती की गई है। इस साल गेहूं की बुआई समय पर हो पाई और ज्यादातर किसानों के द्वारा गेहूं के बीज को छिट्टा बुआई तकनीक से सहायता ली गई है। छिट्टा बुआई में किसानों को कम लागत आती है। किसान संजय कुमार बताते हैं कि एक एकड़ में महज 8 से 10 हजार रुपए प्रति एकड़ पर 60 से 70 मन प्रति एकड़ की फसल हो जाती है। इस विधि में रासायनिक उर्वरकों एवं जुताई के पैसे की बचत हो जाती है, साथ ही साथ गेहूं के पौधे में बीमारियों का खतरा भी कम रहता है। नवगछिया एसपी ने सभी थाने का किया साप्ताहिक रिव्यू। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने मंगलवार को पुलिस जिले के सभी थाना में एक सप्ताह में किए गए कार्य की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में भवानीपुर ओपी, रंगरा ओपी, कदवा ओपी, ढोलबजा थाना, परबत्ता थाना, खरीक थाने में पिछले एक सप्ताह में किए गए कार्य में उत्कृष्ट पाया गया। एसपी ने उत्कृष्ट कार्य के लिए सभी थाना अध्यक्ष को रिवार्ड देने की घोषणा की है। वहीं समीक्षा के क्रम में नदी थाना, इस्माइलपुर थाना, झंडापुर ओपी, बीपुर थाना, नवगछिया थाना एवं गोपालपुर थाने का कार्य समीक्षा के दौरान संतोषप्रद नहीं पाया गया। इसको लेकर एसपी ने सभी थाना अध्यक्ष को चेतावनी दी है। बीहपुर सीएससी में 93 दिव्यांगों को किया गया प्रमाणित।
बीरपुर सीएससी में दो दिवसीय दिव्यांग जांच शिविर के पहले दिन 93 दिव्यांगों को प्रमाणित किया गया। मौके पर सीएससी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मुरारी पोद्दार, भागलपुर सदर के डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर सोनी कुमारी, डॉक्टर कैलाश पति आदि मौजूद थे। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। पानी विवाह भवन, 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA, पॉलिटेक्निक मिले नामांकन। आदर्श थाना के सामने, राज कॉम्प्लेक्स, नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी, कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513।